अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक होंगे आप सब। मैं भी ठीक हूँ आप सब की दुआओं की वजह से। वेलकम बैक टू अरीज की दुनिया, वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। तो जी, नए दिन नई उम्मीद के साथ हम करने लगी हूँ अपना व्लॉग शुरू। सहरी का टाइम हो चुका है और सहर से ही मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। और यहाँ पर ना हम सहरी के लिए बना रहे थे खाना और आज बन रही है चाय और साथ में यहाँ पर पराठे। बस सिंपल से यहाँ पर पराठे बन रहे हैं और चाय बन रही है। आज मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बनाया। कभी कभार मैं अंडा भी बना देती हूँ और कभी कभी मैं आलू भी बना देती हूँ और लेफ़्ट ओवर जो मेरे पास सालन पड़ा होता है वो भी हम खा लेते हैं। लेकिन आज हमने सिंपल सी यहाँ पर सहरी की है और अलहमदिल्ला सहरी रेडी हो चुकी है। चाय मैंने मज़ेदार सी बनाई है और यहाँ पर मैं कर रही थी सहरी। और सहरी करने के बाद नमाज़ पढ़ती हूँ और साथ में कुरान पढ़ती हूँ। तो जी, यहाँ पर मैं कर रही थी सहरी और सहरी करने के बाद ना जब तक सूरज नहीं निकलता मैं सोती नहीं, क्योंकि इस वक्त मैं कुरान पढ़ती रहती हूँ। अल्लाह पाक से यही दुआ है कि हमारे जो रोज़े हैं वो कबूल करें और रोज़े खैर खैरियत से गुजरे। और यहाँ पर मैं आप सब के लिए भी दुआ करती हूँ, तो आप सब मेरे लिए दुआ करते रहिएगा और मेरी फैमिली के लिए। और उसके बाद ना जाके मैं सो गई थी और शाम के टाइम पर यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ अफ्तारी की प्रिपरेशन। तो आज ना मैं बना रही थी चिकन पराठा रोल। और वो कैसे बनता है चिकन टिक्का रोल और अलग अलग रेसिपीज़ मैंने आपके साथ शेयर की हैं, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूँगी। और यहाँ पर ना मैं दो किस्म के रोल बना रही थी और बहुत मज़ेदार से बने थे। और उसके साथ ही मुझे आज ना जाना है दावत पर, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर ना मैंने चिकन को अच्छी तरीके से मसालों के साथ मैरिनेट करके रख दिया है। एक मैंने चिकन वाइट बनाया है और दूसरा मैंने चिकन टिक्का बनाया है और दोनों ही बहुत मज़ेदार से बने थे। और साथ में यहाँ पर डो जो हमने रेडी की थी वो हमने इस तरीके से रेडी की थी, हमने आटा भी लिया था और थोड़ा सा मैदा भी लिया था और उससे ना हमारी डो बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा पराठों की अच्छी बन गई थी। और यहाँ पर ना मेरी बहन पराठे बना रही थी और सिंपल से ये पराठे हैं, आप चाहें तो फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन हमने कम ऑयल में बनाए थे और बहुत मज़ेदार से बने थे। ये हमने घर वालों के लिए बनाए थे ताकि इफ्तारी करने के बाद वो रोल खा सकें। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर व्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, बेल के नोटिफिकेशन को दबा दें ताकि मेरे नए आने वाले व्लॉग्स आप सकें, मेरे जो व्लॉग्स हैं वो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक यू। सबसे पहले मैं बना रही थी मलाई बूटी और बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी थी और घर वालों ने बहुत ही ज़्यादा आज तारीफ़ की थी। अगर आपके पास गेस्ट हैं तो आप वो भी बना सकते हैं। ये चिकन टिक्का रोल बहुत मज़ेदार से बनते हैं और दो रेसिपीज़ मैंने एक साथ ही आपके साथ शेयर कर दी हैं। आप दो किस्म की रेसिपीज़ भी बना सकते हैं, आपके बच्चों को आपके घर वालों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। और चिकन को ना मैंने अच्छी तरीके से मैरिनेट किया था और मैंने ना ओवरनाइट मैरिनेट नहीं किया था चिकन को, बस मैंने एक घंटे के लिए मैरिनेट किया था और उसके बाद ना मैंने चिकन को बना दिया था। और थोड़ा सा बस पैन में ऑयल लिया था और उसके बाद मैंने चिकन ऐड कर दिया था और चिकन को अच्छी तरीके से पकाया था। जब पकने के बाद मैंने चिकन को कवर करके रख दिया है, साथ में पराठे बन रहे हैं और आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा लच्छेदार पराठे बने थे। लेकिन आज ना खा नहीं सकी थी क्योंकि मैं दावत पे चली गई थी और साथ में ना मैंने फ्रूट की कटिंग करके फ्रिज में रख दिया है और साथ में मैंने शरबत भी बना दिया है। और चिकन का जो पानी है वो हमने ड्राई करना है और ड्राई करने के बाद जैसे ही चिकन का पानी ड्राई होगा तो उसके बाद हमारा चिकन रेडी हो जाएगा। और साथ में ना हम स्मोक भी देंगे, स्मोक से बिल्कुल जो हम बाहर वाला रोल चिकन रोल खाते हैं वैसा फ्लेवर आएगा। तो आप इसी तरीके से मेरी रेसिपी फॉलो करते रहिएगा तो इंशाल्लाह बहुत मज़ेदार से रोल बनेंगे आपके भी। जी, यहाँ पर मैंने उसी पैन में चिकन टिक्का की फ्लिंग जो है वो भी ऐड कर दी है और वही सेम मेथड है, आपको चिकन को अच्छी तरीके से पकाना है और उसके बाद चिकन अच्छी तरीके से जब सॉफ्ट हो जाएगा और
पक जाएगा, पानी जो है चिकन का वो ड्राई हो जाएगा क्योंकि हमने योगर्ट ऐड की है, तो चिकन का जो पानी है वो ड्राई हो जाएगा, तो इसका मतलब चिकन हमारा रेडी हो जाएगा। और ये चिकन ना हमने फ्रेश लिया था और फ्रेश मंगवाया था, उसी से ही हमने बनाया है। तो बहुत मज़ेदार से यहाँ पर पराठे भी बने थे और चिकन भी बन चुका है अल्हम्दुलिल्लाह से। और यहाँ पर ना मैं आपको दिखा रही थी चिकन की फ़ाइनल लुक, और साथ में यहाँ पर पराठे भी बन चुके हैं। और हम ना सॉस भी बना रहे हैं, मायोनीज़ हमने ऐड की है, साथ में हमने केचप भी ऐड की है, और थोड़ा सा हमने प्याज की यहाँ पर कटिंग की थी, और साथ में हम स्मोक दे रहे थे, और बहुत बहुत मज़ेदार से ये पराठे बने थे। तो जी यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी मैं काम कर रही थी क्योंकि मुझे दावत पे जाना था। और सबसे पहले हमने पराठा लिया है और पराठे के ऊपर हमने मायोनीज़ ऐड कर दी है, उसके बाद यहाँ पर हमने चिकन ऐड किया था, और चिकन हमने टिक्का रोल भी बनाए थे, और साथ में हमने चिकन मलाई बूटी भी बनाई थी, उसके बाद हमने केचप ऐड कर दिया था। और बहुत बहुत मज़ेदार से यहाँ पर हमारे रोल रेडी हो चुके हैं, और रोल को हमने कवर किया था बटर पेपर से, और ताकि जो रोल हैं वो ड्राई ना हो जाएं। और इसी तरीके से बहुत मज़ेदार से रोल बन चुके थे, लेकिन मैं फ़ाइनल लुक आपको रोल की नहीं दिखा सकी क्योंकि मैं दावत पे चली गई थी। तो जी 6 बज चुके हैं और मैं रेडी हो चुकी हूँ, अब मुझे जाना है दावत पर। और दावत पे बहुत बहुत मज़ेदार सी बिरयानी थी जो मैंने आपके साथ व्लॉग में शेयर की है, अलफजर की बिरयानी थी, और मुझे ना अलफजर की बिरयानी बहुत मज़ेदार सी लगती है और बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। और आज ना मैं अपने रिलेटिव्स के घर आई थी, और ये ना हमारी सिटी की बहुत मज़ेदार सी फेमस बिरयानी है। साथ में यहाँ पर समोसे थे, बिरयानी थी, शरबत था, और साथ में कोल्ड ड्रिंक्स थी, और साथ में जलेबियाँ थी। और उसके बाद मैं आ गई थी घर, और घर भी हमें भेजा था यहाँ पर, वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया है। कोल्ड ड्रिंक थी और साथ में बिरयानी, जलेबियाँ, बहुत बहुत ही मज़ेदार सा खाना था। तो जी ये था मेरा आज का व्लॉग, आज की डेली रूटीन, उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अच्छा चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।